NTAUGCNET Yan in Imaginet. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमेजिनेट पर। दोस्तों ये हमारी जून 2020 एग्ज़ाम के लिए पहली क्लास है। आज से हमारा कोर्स शुरू हो गया है। तो कोर्स शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारे जून 2020 एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका सिलेबस क्या है और उसका क्राइटेरिया क्या है। तो वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे साथ बिल्कुल नए भी जुड़े हैं जो जिन्होंने अभी अभी एमए किया है, मास्टर डिग्री की है। तो उन सभी के लिए और हमें भी ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और जो हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है 2019 के अंदर तो उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि आपने अभी देखा दिसंबर 2019 में भी काफ़ी क्वेश्चन डिफरेंट आए थे, काफ़ी नए क्वेश्चन आए थे, तो उन सभी को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों आज हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि सिलेबस क्या है और क्राइटेरिया क्या है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या है यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए। और ये हम 2019 का जो रेगुलेशन आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसी के अनुसार देख रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात ये आती है दोस्तों, अगर हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 55% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री के अंदर हमारे पास 55% होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दोस्त ये कहते हैं कि मेरे बीए के अंदर, बैचलर के अंदर मेरे 50% है या 60% है, तो बैचलर डिग्री का मायने नहीं रखता, यहाँ पे मास्टर डिग्री में हमारे पास 55% या उससे अबो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जैसे कि ST SC OBC PWD या फिर EWS कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनके 50% मास्टर डिग्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितना होना चाहिए जेआरएफ़ के लिए। जेआरएफ़ के लिए जो एज लिमिट है वो 30 रखी गई है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, उसके लिए 50 साल का व्यक्ति वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। और रिलैक्सेशन की बात करें हम तो इसके अंदर ये देखते हैं कि जो ओबीसी है, वुमेन है या फिर पीडब्ल्यूडी, वो उनके लिए 5 साल की छूट दी गई, यानी कि वो 35 साल तक जेआरएफ़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे और भी काफ़ी छूट दी गई है, आप ये देख लेना दोस्तों, बिल्कुल आसानी से आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद में जैसे हम बात करें कि जो हमारा पेपर है, पेपर फर्स्ट का पैटर्न क्या है वो हमें पता होना चाहिए, पेपर फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि समय समय पे ये पैटर्न है वो चेंज होता हुआ आया है, तो अभी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए अब क्या है कि सबसे पहली बात ये कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर बीच के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है। पहले क्या होता था, पहले आधे घंटे का ब्रेक मिलता था हमें, लेकिन अब नहीं मिलता। अब क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, जैसे आप सभी को पता है कि कंप्यूटर पे टेस्ट होता है, तो उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होता। और क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं और वो 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटा हमें मिलता है। उसके बाद में जैसे हम बात करें पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं, इसमें टोटल हमें 2 घंटे मिलते हैं, तो दोनों के मिला के 150 क्वेश्चन बनते हैं और 300 मार्क्स बनते हैं इनके, और टोटल हमें 3 घंटे मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें जैसे कि हर जो टॉपिक है पेपर फर्स्ट में उसमें कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं, और ये नॉर्मली दोस्तों हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 नंबर के होते हैं, ये हम सभी को पता है। और कई बार यूजीसी इसके अंदर गड़बड़ी भी कर देता है, इसका मतलब ये है कि जैसे टीचिंग के अंदर कई बार वो 6 क्वेश्चन दे देता है तो कम्युनिकेशन के अंदर 4 क्वेश्चन देगा, तो इस तरह से कई बार 1-2 क्वेश्चन की वो गड़बड़ी कर देता है। और आगे नॉर्मली हम बात करें तो 5 क्वेश्चन ही होते हैं एक टॉपिक के अंदर। आगे हम बात करें दोस्तों हमारे सिलेबस के बारे में, हम बात करें कि पहले क्या था और अब क्या चेंजेज हुए हैं उनके बारे में हमें थोड़ा पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं सबसे पहले, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है
कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये हमारा पहले भी था। और लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों कि ये लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये दोस्तों ये हमारे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन उनमें पहले ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे, अब थोड़े पूछने लग गए, थोड़े ज़्यादा पूछने लग गए हैं। और बेसिक करेक्टरिस्टिक और बेसिक रिक्वायरमेंट ये हमारी पहले से चलती हुई आ रही है। और फिर लर्नर करेक्टरिस्टिक ये हमारी अब इन्होंने डाली है कि जो स्टूडेंट लर्न कर रहा है उसकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उसके करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये चीज़ इन्होंने थोड़ी अब डाली है, स्पेसिफिक करके डाली है इन्होंने। और उसके बाद में दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारे टीचिंग को और स्टूडेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पढ़ाने का तरीका, और जो स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं टीचिंग के अंदर इफ़ेक्ट करता है। अगर वो यानी कि सही पढ़ने वाला नहीं होगा, उसका मूड नहीं होगा पढ़ने का, तो हमारी टीचिंग है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत मायने रखता है। उसके बाद हम बात करें जैसे कि टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर मेथड, अब ये जो है नया इसके अंदर ऐड हुआ है दोस्तों, ये हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड भी इन्होंने ऐड किया है, और इसमें जैसे स्वयं स्वयं प्रभा MOCC इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों जैसे कि हमारे पास है ट्रेडिशनल और मॉडर्न एंड ICT बेस्ड लर्निंग सिस्टम, टीचिंग सिस्टम। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेडिशनल जो जैसे हम पहले पढ़ते थे गुरुकुल में पुराने समय में, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और जो मॉडर्न जो हमारा सिस्टम है टीचिंग का, वो इसके अंदर पढ़ेंगे हम। और फिर हम पढ़ेंगे जैसे कि ICT है वो हमारा किस तरह से सहायता कर रहा है टीचिंग के अंदर। उसके बाद जैसे कि इवैल्यूएशन सिस्टम, ये हो गया दोस्तों, ये हमारे पहले भी था और अब भी है, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए दोस्तों, और इसके बारे में बहुत अच्छे से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अभी केवल हम नॉर्मल सिलेबस देख रहे हैं हमारा सिलेबस क्या है। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है रिसर्च एप्टीट्यूड सेकंड। अब जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह आती है, इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि बेसिक चीज़ें आती है, ये हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें से क्वेश्चन आए ये बिल्कुल आसान है दोस्तों, ये हमारी समझ में आ जाएगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे में न्यू ऐड हुआ है वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये नई अप्रोच ऐड हुई है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और आगे दोस्तों मेथड ऑफ रिसर्च, रिसर्च के क्या क्या मेथड हो सकते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद है दोस्तों स्टेप ऑफ रिसर्च, इसमें से दोस्तों एक क्वेश्चन हर बार लगभग आ ही जाता है, अब की बार भी आया था इसमें से क्वेश्चन, अब की बार इन्होंने इसमें से साइंटिफिक रिसर्च के बारे में पूछा हुआ था, तो ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप ऑफ रिसर्च काफ़ी तरह के हो सकते हैं, अलग अलग रिसर्च जैसे कि हिस्टोरिकल रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, सभी के स्टेप है वो अलग अलग होते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, अब देखिए फॉर्मेट एंड स्टाइलिंग, इसमें से बहुत क्वेश्चन पहले आए हैं दोस्तों, ये हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब भी इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट है उसका क्या योगदान है रिसर्च के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास टॉपिक बचता है रिसर्च इथिक्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इथिक्स में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास है कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन, इसके अंदर आपको नॉर्मली पता ही है कि पैराग्राफ दिया हुआ होता है और उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनके हमें आंसर देने होते हैं, तो ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, इसमें हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें आते हैं जैसे कि मीनिंग क्या है, टाइप कितने हैं कम्युनिकेशन के, इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह का हो सकता है क्लास के अंदर, वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर जैसे हम वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करेंगे, और इंटर कल्चरल ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी कि तरह तरह के जो कम्युनिकेशन है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे।
और फिर है दोस्तों बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या बाधाएं आ सकती है वो हमें पता होना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। आगे है दोस्तों हमारे पास मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है कम्युनिकेशन के अंदर और इसमें से भी क्वेश्चन आए तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके अंदर क्या है दोस्तों हमारे जो मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि टाइप ऑफ रीजनिंग, सबसे पहले इसके अंदर टाइप ऑफ रीजनिंग आएगा, काफ़ी तरह की रीजनिंग हो सकती है दोस्तों वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे कि नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग और रिलेशनशिप, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं तो इनको हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद दोस्तों जो नई चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हुई है वो हुई है फ्रैक्शन ऐड हुआ है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो ये चीज़ें पहले भी थी लेकिन पहले सिलेबस के अंदर मेंशन की नहीं थी, लेकिन अब की बार यूजीसी ने सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। अब की बार जैसे कि हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और इंटरेस्ट, ये हमारा जैसे इंटरेस्ट है ये नया ऐड हुआ है इसके अंदर, और एवरेज, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है दोस्तों, बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इनके अंदर हम आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो टॉपिक है दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, ये काफ़ी दोस्तों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग सकता है, पजल करने वाला लग सकता है कि जैसे सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्लियाँ पेन है, तो इस तरह से दिया हुआ होता है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग करने वाला होता है, लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि ये आ गया कि प्रेपोजिशन आ गया और इसके अंदर स्केयर ऑफ ऑपोजिशन आते हैं, तो इन सभी के बारे में हम आसानी से पढ़ेंगे और इसके बारे में हमने पहले भी क्लास ली है और अब भी हम क्लास लेने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको करवाएंगे इसके अंदर। उसके बाद में है दोस्तों डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो ये भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास वेन डायग्राम है। अब देखिए वेन डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और वेन डायग्राम जो है वो काफ़ी तरह के हो सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ऐड हुआ है न्यू सिलेबस के अंदर, वो है दोस्तों इंडियन लॉजिकल सिस्टम। अब इसके अंदर जैसे कि प्रमाण हो गया, अनुमान हो गया, उपमान हो गया, शब्द हो गया, इसमें से दोस्तों दिसंबर 2019 के अंदर बहुत क्वेश्चन आए थे और ये जो टॉपिक है हमारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा हम सभी के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन हम कोशिश करेंगे तो इसे भी हम आसान बना सकते हैं, तो ये हम सभी चीज़ें आगे करने वाले हैं। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास डेटा इंटरप्रिटेशन। देखिए इसका नाम सुनते ही जो स्टूडेंट है वो घबरा जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ये क्या है और ये हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, और काफ़ी स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर करते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें पेपर फर्स्ट के अंदर जो भी हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है उसे आसान बनाने की कोशिश करनी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन कितने तरह का होता है, काफ़ी तरह का होता है, उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सी ट्रिक यूज़ करनी है जिससे हम डेटा इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल आसान बना सके। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि दिसंबर 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम आया था उसके अंदर बिल्कुल आसान डेटा इंटरप्रिटेशन आया था, तो हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, सब कुछ आसान हो जाता है दोस्तों। तो आगे हम बात करते हैं हमारे पास ICT की बात करते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर जैसे सबसे पहले बात आती है जर्नल एब्रीवेशन की, टर्मिनोलॉजी की बात आती है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, ये हमारा पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद जैसे बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल में से बहुत क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, हर बार एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसके बारे में हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात आती है दोस्तों हमारे पास डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर डिजिटल इनिशिएटिव क्या क्या हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ICT एंड गवर्नेंस के बारे में हम बात करेंगे, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट टॉपिक की। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आते हैं, सस्टेन डेवलपमेंट गोल आते हैं, इसमें ये देखिए ये टॉपिक पहले भी था लेकिन वही बात है कि UGC ने मेंशन नहीं किया था, तो अब की बार इन्होंने अच्छे से मेंशन कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और
इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, और अब की बार दिसंबर 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे, सभी टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। उसके बाद दोस्तों जैसे कि ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि जो हमारा ह्यूमन है और उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या एक्टिविटी करता है ह्यूमन और उससे जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों एनवायरनमेंट इशू यानी कि एयर पोल्यूशन कितना बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन किस तरह से हो रहा है, और सोइल पोल्यूशन से क्या क्या बीमारियां हो रही है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है दोस्तों। और आगे हम बात करें कि इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, जो पोल्यूशन हो रहा है उससे क्या क्या बीमारियां हो रही है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आता है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे लिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोइल एनर्जी, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, इनमें से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नेचुरल हैजार्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास आ गया था दोस्तों हमारे पास हायर एजुकेशन। देखिए हायर एजुकेशन के अंदर पहले क्या होता था कि हायर एजुकेशन प्लस पॉलिटी दोनों से मिला के 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार पॉलिटी का जो टॉपिक है वो डिलीट कर दिया है, अब हायर एजुकेशन में से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की हमें आवश्यकता है। इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों हमारे पास जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था, यानी कि पहले हम किस तरह से पढ़ते थे और अब किस तरह से पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ हायर एजुकेशन, यानी कि किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है, वो हम जानेंगे। दोस्तों इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और अब की बार दिसंबर 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं कि किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ है और पहले शिक्षा कैसी थी अब कैसे है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम, ये भी हमारे लिए दोस्तों नया टॉपिक है। हम बात करते हैं दोस्तों प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये भी हमारा नया टॉपिक है दोस्तों, और इसमें से आगे क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद है दोस्तों हमारे लिए वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, जिस तरह से हम पिछली क्लासों में नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ते थे दोस्तों, तो वो ये टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम कह सकते हैं कि पॉलिटी का कुछ हिस्सा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये है हमारा जून 2020 एग्ज़ाम के लिए न्यू अपडेटेड सिलेबस, और इसी के अनुसार हमें आगे तैयारी करनी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेक्चर लेते जाएंगे तो सभी टॉपिक हम आसानी से समझते जाएंगे। और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त को इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी, लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप हमें 8708321010 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।